हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गोभी की एक ऐसी सब्जी बताने जा रही हूँ जिसे आप हर दूसरे तीसरे दिन बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गोभी के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। गोभी हमें कुछ इस साइज़ में काटना है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से गोभी में जितनी भी गंदगी होगी निकल जाएगी। अब इसमें एक छोटी चम्मच नमक डालें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इन्हें मिला लें। इससे गोभी की सारी गंदगी निकल जाएगी। इसके बाद गोभी को साफ पानी से धो लेंगे और एक बर्तन में निकाल लें। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालें और 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन डालें। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें और इन्हें मिला लें। कसूरी मेथी डालने से स्वाद बढ़ जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल न डालें। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो हम गोभी को डाल देंगे और इसे थोड़ी देर यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसे चलाएं। इसे हाई फ्लेम पर भून लें। गोभी हमारी भुन गई है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी बचे हुए तेल में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। आप यहाँ सरसों तेल की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालें। जीरा जब चटकने लगे तो इसमें हम कुछ गरम मसाला डालेंगे। 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च। इसे डालकर थोड़ी देर चटकने दें। अब इसमें 2 बड़े कटे हुए प्याज डालेंगे। और इन्हें भून लेंगे। जब तक प्याज हमारी लाल हो रही है, हम एक क्रशर में लहसुन और अदरक को कूच लेंगे। यहाँ हम 7-8 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे कूच लेंगे। नमक डालने से लहसुन प्याज अच्छी तरह क्रश हो जाते हैं। देखिए, हमारे लहसुन प्याज ऐसे क्रश होने चाहिए। कूच कर डालने से लहसुन सब्जी में इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम लहसुन को डाल देंगे और थोड़ी देर इन्हें भी भून लेंगे। इसे करीब 2 मिनट तक भूनेंगे। अब एक कटोरी में दही लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर को डालकर मिला लें। अब इस फेटे हुए दही को हम प्याज में डाल देंगे।
यहाँ फ्लेम लो रखें ताकि दही हमारी फटे ना, और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद तेल हमारे निकल चुके हैं, मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें आधा कटोरी मटर डालेंगे और इन्हें भी मसालों के साथ भून लें। करीब 5 मिनट भूनते हुए हो गए हैं। अब इसमें पीसी हुई टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े टमाटर लिए हैं। इन्हें बीच बीच में चलाते रहें। अब इन्हें हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। देखिए मसाले हमारे कितनी अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें, और मसालों को थोड़ी देर और भून लेंगे। जब मसाले हमारे पूरी अच्छी तरह भून जाए तो इसमें गोभी को डाल देंगे और मसालों के साथ गोभी को मिला देंगे। इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो पानी कम ही डालें। और इसे ढककर एक उबाल तक आने दें। फ्रेंड्स, आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर हरी धनिया डाल देंगे और एक बार सब्जी में इसे मिला देंगे। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनी है। गोभी भी सारे खड़े खड़े दिख रहे हैं। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। एक बार आप गोभी की सब्जी, इसे आप रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। बाय बाय।